ओके दोस्तों, मेरी इस वीडियो तक पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को जो बताता हूं, देखिए इस वीडियो में ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने सोलर चार्ज कंट्रोलर में इसको जो इसमें बिल्ट इन टाइमर है कि कितनी देर तक आपका लोड ऑन रहे उसको कैसे सेट करेंगे। अगर आप इस टॉपिक के रिगार्डिंग यहाँ पर नहीं आए हैं तो आप दूसरी वीडियो पर मेरी किसी और वीडियो पर स्विच कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। देखिए दोस्तों आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो आपका ये मेन्यू बटन है इसको आप प्रेस करेंगे, आप दोबारा से प्रेस करेंगे और थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम आप देख सकते हैं अगेन प्रेस करने मोड। अभी आप ये टाइम वाले मोड पर आ गए हैं। अब जब आप ये इस मोड पर आ गए हैं, टाइम सेटिंग का मोड है, तो दोबारा से मैं ये वापस आ जाता है, इसको लाते हैं वहां पर और अभी इसको दबाए रखेंगे हम मेन्यू के बटन को। अब मैं इस सेटिंग को एडिट कर सकता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं इसको मान लीजिए सेट कर देता हूँ कि मैं इसको 2 घंटे के लिए सेट करता हूँ कि मैं 2 घंटे के लिए ही अपने लोड को लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं इसे जल्दी से वापस से लाके और मेन्यू को एडिट करने के लिए प्रेस करता हूँ, इसे 2 घंटे पर सेट करता हूँ। मैक्सिमम ये 24 आवर्स पर जा रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं और मिनिमम 1 आवर पे, तो मैं इसको 2 आवर पे ले आया जैसे कि आप देख सकते हैं 2 आवर्स पे है। अभी मैं इसको प्रेस करके रखूंगा जब मेन्यू बटन को, तो ये अभी ये नॉर्मल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 आवर्स 0 to 2 आवर्स में 2 आवर्स के लिए सेट हो गया है लोड। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोड को मैंने आउटपुट को यहां से मैं पहले आउटपुट को काट देता हूं। लेट मी चेक, आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट हमारा 2 आवर्स के लिए ऑन हो चुका है। अभी आउटपुट बिना जब तक कि आप बैटरी से टर्मिनल को अलग नहीं करते, डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, ये आउटपुट हमारा 2 घंटे के बाद ही लोड को ऑफ करेगा। जब तक यहाँ पर या तो आप टर्मिनल को अलग ना करें या फिर यहाँ पर कोई शॉर्टेज नहीं हो, वायर में आगे शॉर्ट नहीं होते, 2 घंटे तक ही आपका लगातार बैकअप देगा क्योंकि आपने 2 घंटे यहाँ सेट किया है और 2 घंटे बाद ऑटोमेटिक ये जो है आउटपुट ऑफ कर देगा। लेकिन अगर आपने पैनल कनेक्ट कर रखा है तो ये पैनल से चार्जिंग देता रहेगा। अभी मैं इसको वापस से 24 आवर्स के लिए सेट कर देता हूँ। तो इसको एडिट के लिए दबाए रखेंगे हम 5 सेकंड के लिए और ये एडिट हो जाता है। तो इसको मैं प्रेस करके रखता हूँ, अभी मैं इसको एडिट कर पा रहा हूँ। तो ये 24 आवर्स के लिए रिवर्स में जाऊंगा और 24 आवर्स के लिए सेट करके और इसको प्रेस करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये 24 आवर्स के लिए स्टेबल हो गया है। तो अभी देखिए आप 24 आवर्स के लिए स्टेबल लोड दिखा रहा है, मींस अब मुझे लोड का जो आउटपुट मिलेगा वो लगातार 24 आवर्स तक मिलेगा और उसके बाद मेरा लोड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। मैं अगेन यहाँ पर आके स्विच को प्रेस करूंगा तभी मेरा जो है लोड जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन और ऑफ होगा। तो ये दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोग को ये चीज करना है। दोस्तों इसके रिगार्डिंग कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को कमेंट में रिप्लाई करूंगा, नहीं तो आप मुझे ईमेल पर करिए, मैं आप लोग को ईमेल पर रिप्लाई करूंगा। दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।